नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को रिव्यू करने जा रही हूँ। वो प्रोडक्ट हम सभी के पास इजीली मिलता है, लाइक जब हम धूप में जाते हैं तो हम सनस्क्रीन यूज़ ज़रूर करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आज सनस्क्रीन को ही रिव्यू देने वाली हूँ, रिव्यू करने वाली हूँ। ये जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का है वो है ये सनशेड का, ये है सनस्क्रीन SPF 30। SPF 30 का ये है, तो मैं इसको रिव्यू करने वाली हूँ। ये मैंने बिफोर 2 मंथ्स मैं इसको लेके आई थी। 2 मंथ्स से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और आफ्टर 2 मंथ्स मैंने पाया कि इट्स रियली गुड, आई लव दिस प्रोडक्ट। बिकॉज जो मेरे ड्यूअल टोन की प्रॉब्लम थी वो इसको यूज़ करने के बाद ख़त्म हो गई, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो सन की रेज होती है वो हमारी जिस विजिबल पार्ट पे पड़ती है वहाँ डार्कर हो जाता है, टैनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो इसको यूज़ करके मैंने पाया कि वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो गई, और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी ड्यूअल टोन की प्रॉब्लम ख़त्म सी होने लगी है। सो ये प्रोडक्ट है, तो ये देखिए इस तरीके की पैकिंग में आता है। बहुत ही क्यूट सी पैकिंग है, मस्टर्ड येलो कलर की पैकिंग है, बहुत ही प्यारा कलर इसका चूज किया गया है। और ये इस तरीके से ये पैक है, ये देखिए। और इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा, जो मेरे पास है वो 100 ml का है। 100 ml की ये ट्यूब है, मैं ये वाली ट्यूब आपको दिखा रही हूँ। इसमें छोटी भी 50 ml की भी आती है, तो इसमें अलग अलग क्वांटिटी की आती है। मैंने 100 ml की SPF 30 ली है, PA++ वाली है ये। ये है, ये बहुत ही अच्छी है। ये इसका कैप दिया हुआ है, इस तरीके से इसको कैप है इसका, और ये इसको इस तरीके से आपको जहाँ पे भी अप्लाई करना है आप इस तरीके से फिंगर पे लेके, लाइक मेरे को यहाँ अगर अप्लाई करना है तो मैं इसको यहाँ करके, जो भी आपका, जब भी आप बाहर जाएं गाइस, तो आप अपना जो भी आपका विजिबल पार्ट होता है आप उस पर सनस्क्रीन, कोई भी सनस्क्रीन जो भी आपको यूज़ करनी हो आप अप्लाई करें और फिर आप बाहर निकले, तो ये स्किन डैमेज नहीं करेगा, अदरवाइज स्किन डैमेज होती है। ये देखिए आप यहाँ में और यहाँ में फ़र्क देख सकते हैं, ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, और कंटिन्यू यूज़ के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जनरली हम जब धूप में जाते हैं तभी हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, घर में नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी लाइट के अंडर बैठते हैं तो भी वो हमारी स्किन को डैमेज करता है। तो हमारी स्किन डैमेज ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। तो इफ़ पॉसिबल आप घर में भी सनस्क्रीन का यूज़ करें। और सो आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।